वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं वो हम आपको बताते हैं। कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन में कई बड़े खुलासे किए हैं। पहला खुलासा है कि उनके लिखे एक आर्टिकल ने लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस में जोड़ तोड़ शुरू हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के नाम पर अटकलें कांग्रेस के अंदर लग रही थी। तब कुलदीप नैयर ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई की दावेदारी की खबर जारी कर दी। इसके बाद पार्टी के बाहर और भीतर लोगों में मोरारजी के प्रति नाराजगी पैदा हो गई, जिसका सीधा फायदा लाल बहादुर शास्त्री को मिला। दूसरी जानकारी ये है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में पाकिस्तान के साथ हुए समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हुआ, तब कुलदीप नैयर उनके साथ ही थे। हालांकि लोगों का ये मानना है कि उनकी मौत का रहस्य कुलदीप नैयर के अलावा किसी को भी नहीं पता, लेकिन कुलदीप नैयर ने कभी भी खुलकर इस बात पर कोई बयान नहीं दिया। तीसरा खुलासा जो कुलदीप नैयर ने किया था वो ये कि इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की समाधि दिल्ली में नहीं बनवाना चाहती थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री के आमरण अनशन की बात करने पर इंदिरा गांधी को समाधि बनवानी पड़ी। चौथे खुलासे में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने उन्हें एक बड़ा इनाम दिया था। कुलदीप नैयर की खबरों ने ही वीपी सिंह सरकार के गठबंधन को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया था, जिससे खुश होकर वीपी सिंह ने उन्हें अपने शासनकाल में ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया। पांचवा खुलासा ये कि इमरजेंसी के समय आखिर में गिरफ्तारी की मार से कुलदीप नैयर भी नहीं बच पाए, और निर्दोष होने के बावजूद जेल में बिताए गए वक्त को उन्होंने अपनी आत्मकथा में बड़ी ही रोचकता के साथ पेश किया है। उम्मीद है कि कुलदीप नैयर की ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन के ये पांच खुलासे आपको जरूर पसंद आए होंगे। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं वो हम आपको बताते हैं। कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन में कई बड़े खुलासे किए हैं। पहला खुलासा है कि उनके लिखे एक आर्टिकल ने लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस में जोड़ तोड़ शुरू हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के नाम पर अटकलें कांग्रेस के अंदर लग रही थी। तब कुलदीप नैयर ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई की दावेदारी की खबर जारी कर दी। इसके बाद पार्टी के बाहर और भीतर लोगों में मोरारजी के प्रति नाराजगी पैदा हो गई, जिसका सीधा फायदा लाल बहादुर शास्त्री को मिला। दूसरी जानकारी ये है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में पाकिस्तान के साथ हुए समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हुआ, तब कुलदीप नैयर उनके साथ ही थे। हालांकि लोगों का ये मानना है कि उनकी मौत का रहस्य कुलदीप नैयर के अलावा किसी को भी नहीं पता, लेकिन कुलदीप नैयर ने कभी भी खुलकर इस बात पर कोई बयान नहीं दिया। तीसरा खुलासा जो कुलदीप नैयर ने किया था वो ये कि इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की समाधि दिल्ली में नहीं बनवाना चाहती थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री के आमरण अनशन की बात करने पर इंदिरा गांधी को समाधि बनवानी पड़ी। चौथे खुलासे में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने उन्हें एक बड़ा इनाम दिया था। कुलदीप नैयर की खबरों ने ही वीपी सिंह सरकार के गठबंधन को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया था, जिससे खुश होकर वीपी सिंह ने उन्हें अपने शासनकाल में ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया। पांचवा खुलासा ये कि इमरजेंसी के समय आखिर में गिरफ्तारी की मार से कुलदीप नैयर भी नहीं बच पाए, और निर्दोष होने के बावजूद जेल में बिताए गए वक्त को उन्होंने अपनी आत्मकथा में बड़ी ही रोचकता के साथ पेश किया है। उम्मीद है कि कुलदीप नैयर की ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन के ये पांच खुलासे आपको जरूर पसंद आए होंगे। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।